प्रवीण बहुत अच्छा सीरीज रहा है, पेसर्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है हम लोगों का, ईशांत शर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा, पर इंडिया ने एक स्पिनर ने कम खिलाया, क्या आपको नहीं लगता कि पर्थ में एक स्पिनर कम था? सब चीज़ सब लोग ना यही बात कर रहे हैं कि स्पिनर कम खिलाया, अभी चार फास्ट बॉलर से हम जीत जाते तो लोग बोलते कि नहीं देखो जी, आप लोग ही बोलते, मैं नहीं बोलता या कोई और नहीं बोलता कि देखो हमने कितना अच्छी बात कर दी कि हम चार फास्ट बॉलर से जीत गए, तो ये क्रिटिसिज्म मत करो। एक मैच जीतते हैं तो आप लोग बोलते हो कि हाँ बहुत अच्छा कर दिया, एक मैच हारते हैं तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। कप्तान का जो निर्णय होगा और कोचेस का जो निर्णय होगा उसी के भी आप पे गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। पहला मैच जीते ना, हम चौथी इनिंग में आ रहे हैं, पूरी सीरीज अच्छा खेले, सब कुछ अच्छा खेले, तो बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, बैट्समैनों ने ठीक है, चौथी इनिंग में बॉल कोई ऊपर जा रहा था कोई नीचे जा रहा था, ऑस्ट्रेलियंस को भी चोट लगी है, तो थोड़ा बहुत विकेट ने भी हराया हमको, ऐसे नहीं है कि उन्होंने ठीक है उन्होंने अच्छे एरिया में गेंदबाजी की, लेकिन सेकेंड इनिंग में हमने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो ये कहना बहुत गलत है कि एक स्पिनर नहीं खिलाया। अगर चार फास्ट बॉलर से जीत जाते तो कहते हैं आप लोग कि नहीं देखो जी हमने स्पिनर नहीं खिलाया हम फिर भी जीते, पर चार पेसर्स बैटिंग नहीं कर पाते, अगर आपको नहीं लगता स्पिनर बैटिंग अच्छा कर सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्या, तो अश्वनी को पता है कि आपको पता था कि वो 100 ही बना देगा नीचे आके, ऐसा कहना गलत है। एक में अभी बाकी टेस्ट सीरीज पड़ी है सारी की सारी, तो अच्छा ही होगा देखना। और पेस अटैक को कैसे देखते हैं? इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा, यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप देखो समी ने 6 विकेट लिया है, बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, ठीक है एक बॉलर चारों के चारों अगर अच्छा डाल देते तो हम टेस्ट मैच ना जीत जाते। एक आध फास्ट बॉलर का होता है कि उसका दिन नहीं है या उसका लेंथ वो पकड़ नहीं पा रहा, आगे नहीं डाल रहा या पीछे नहीं डाल रही, तो ये होता है। एक टेस्ट मैच हारने से हम वो नहीं हार गए कि पूरा सीरीज ही हार गए, अभी बहुत बाकी है, सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतज़ार करो। पर क्या लगता है शामी सेकंड इनिंग्स में इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? जी जो मेरा मानना है, जो जितना मैं क्रिकेट खेला हूँ, ये कभी कभी हो जाता है, आप ग्रीन विकेट देख के थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हो, पीछे का बॉल आगे गिर जाता है, आगे का बॉल पीछे गिर जाता है, तो ये हो जाता है। और मैं पहले भी बोला हूँ कि चौथी इनिंग जो विकेट खेल रहा था या था जो उनकी सेकेंड इनिंग थी, तो उसमें बॉल ऊपर नीचे हो रहा था, आपको भी दिखा होगा कि बॉल लग गया फिंच को, तो उस पर तो अपने आप ही बॉल अच्छी होनी थी कि आप डाल कह रहे हैं बॉल किधर जा रहा है, बॉल अपने आप कट होके विकेट में जा रहा है, तो लेकिन समीर जबरदस्त बॉलर है, उसने हमेशा सेकंड इनिंग में अच्छी बॉलिंग करता है ओवरऑल, तो हमने ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली है, हम लास्ट डे में हारे या शाम को 5-6 आउट हो गए थे, मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा क्रिकेट जब से छोड़ा, तो हमने अच्छा क्रिकेट खेला। और विराट कोहली टीम पे इनके बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई, नसीरुद्दीन शाह ने क्रिटिसाइज भी करा, क्या कहेंगे उनके एटीट्यूड के बारे में? देखो विराट कोहली अंडर 16 भी अग्रेशन से खेला, अंडर 19 भी अग्रेशन से खेला, रणजी ट्रॉफी भी, और इंडिया भी अग्रेशन से खेल रहा है, जब इंडिया अग्रेशन से खेल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को, खेलनी चाहिए भाई। अगर मैं अग्रेसिव होकर क्रिकेट खेल रहा हूँ, अग्रेसिव होकर कोई भी काम कर रहा हूँ और उसमें परिणाम मेरे हक में मिल रहा है तो मैं करूँगा, तो अगर वो कर रहा है तो क्या कर रहा है। और बाकी टीम पेन और इनकी बातें ठीक है, ये तो होती रहती है, क्रिकेट है, थोड़ा बहुत तो टेस्ट मैच में होना भी चाहिए, तभी तो हल्ला गुल्ला होगा, तभी तो लोग देखने आएंगे टेस्ट मैच। और आप यहाँ से आगे सीरीज़ का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या आपको लगता है भारत यहाँ से सीरीज़ जीतेगा? नहीं क्यों नहीं जीत सकते, बिल्कुल जीत सकते हैं। और ईशांत शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, उनका चौथा टूर है, 30 साल की उम्र है, चौथा ऑस्ट्रेलिया टूर, क्या वो आगे ज़हीर खान की तरह पेस पीरियड होंगे इंडिया के? बिल्कुल, मेरे ख्याल में 85 से ऊपर टेस्ट मैच खेल गए हैं, तो देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ ये कंपेरिजन नहीं करना चाहिए कि ज़हीर खान ईशांत शर्मा या बुमराह, ये कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, सब अलग अलग शैली के बॉलर हैं, तो अलग अलग शैली के बॉलर हैं, वो अलग हिसाब के बॉलर थे, वो अलग हिसाब से डालते थे, ईशांत शर्मा मेन बॉलर बने हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सब अलग अलग शैली के बॉलर हैं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं।